हेलो दोस्तों, इमामा टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जानेंगे हम आयरलैंड के बारे में, जो कि एक नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, और साथ ही में जानेंगे आयरलैंड को टूर करने में आने वाले खर्चों के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। न्यू दिल्ली से डबलिन तक का राउंड ट्रिप का खर्च करीब 50 से 70 हज़ार रुपये आता है। वहीं अगर होटल की बात की जाए तो 4-स्टार होटल एक दिन के लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट का डेली का खर्च 2 से 3 हज़ार रुपये और डेली खाने का खर्च करीब 1500 से 2000 रुपये मान सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि आयरलैंड का टूर काफ़ी महंगा नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कुछ इस देश के बारे में। दोस्तों आयरलैंड का कुल एरिया है 84,421 स्क्वायर किलोमीटर। आयरलैंड की पॉपुलेशन करीब 65,72,700 है। पॉपुलेशन के मामले में आयरलैंड दुनिया में 19वें नंबर पर आता है। इंग्लिश और आयरिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। इनके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस का भी चलन है। दोस्तों इस देश में यूरो का चलन है। एक यूरो भारत के 87.05 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों आयरलैंड की इकनॉमी फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फूड प्रोडक्ट्स पर टिकी है। आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम लगभग $80,000 है। दोस्तों आयरलैंड को धनी देशों में शुमार किया जाता है। इसकी खूबसूरत हरियाली और पहाड़ियों की वजह से इसको एमराल्ड आइल भी कहा जाता है। दोस्तों आयरलैंड के हरा भरा होने का कारण यहाँ होने वाली बारिश है, जो लगभग पूरे साल होती है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है। सन 1998 में हुए एक एग्रीमेंट के तहत आयरलैंड ने नॉर्दर्न आयरलैंड के पार्ट को यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया था। आयरलैंड का ट्रेडिशनल फूड बियर, पिंक बैकॉन एंड सेवरी चिकन है। दोस्तों यहाँ के 80% से ज़्यादा लोग रोमन कैथोलिक हैं और दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में रहते हैं। दोस्तों टाइटैनिक नामक जहाज़ यहाँ के एक शहर बेलफास्ट में ही बना था, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है। दोस्तों यहाँ के लोग सेंट पैट्रिक को बहुत मानते हैं। जो भी बच्चा सेंट पैट्रिक के जन्म दिवस पर पैदा होता है उसको काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। आयरिश लोगों के अनुसार सेंट पैट्रिक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन बचपन में किडनैप करके उनको आयरलैंड लाया गया था। दोस्तों यहाँ पर पब्लिकली ड्रिंक करना इलीगल है। इसके अतिरिक्त आयरलैंड में ऐसा एबॉर्शन भी इलीगल है जिसमें कि माँ की जान को खतरा हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं, ऑस्कर में मिलने वाली ट्रॉफी को डबलिन में रहने वाले ही एक व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, बहुत सारे आयरिश नेम मैक से स्टार्ट होते हैं, जिसका मतलब किसी का बेटा होने से है, और कुछ आयरिश नेम ओ से स्टार्ट होते हैं, जिसका मतलब किसी का पोता होने से। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी शैनॉन है। दोस्तों बहुत से आयरिश पीपल देश के बाहर रहते हैं। आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ 12वीं शताब्दी में हुआ था। आयरलैंड में 30,000 से ज़्यादा कैसल और पुराने खंडर हैं। दोस्तों यहाँ के सिर्फ 9% लोगों के बाल कुदरती लाल होते हैं। दोस्तों आयरलैंड का सीन्स बार दुनिया का सबसे पुराना पब माना जाता है। कहा जाता है कि इसको 9वीं शताब्दी में खोला गया था। हर्लिंग और गैलिक फुटबॉल यहाँ के दो नेशनल स्पोर्ट्स हैं। आयरिश लोग सालाना लगभग 131 लीटर बियर पीते हैं और बियर कंजम्पशन के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर आते हैं। दोस्तों आयरलैंड में सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश को सांपों से सेंट पैट्रिक ने उनको बचाया है।
दोस्तों हॉलोवीन वाला फेस्टिवल भी आयरलैंड में ही आयोजित किया जाता है, जिसको कि सैम हेन कहते हैं। आयरिश वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने ही पता लगाया था कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। आयरलैंड का हुक लाइट हाउस दुनिया में सबसे पुराना लाइट हाउस माना जाता है, जिसको 12वीं सदी में बनाया गया था। दोस्तों आलू आयरलैंड का स्टेपल फूड है और ये यहाँ 17वीं शताब्दी से यूज हो रहा है। आयरलैंड का लेट लेट शो दुनिया में चलने वाला सबसे लंबा टॉक शो है, जो आज भी चल रहा है। दोस्तों आयरलैंड में गे मैरिज को लीगल माना जाता है। आयरलैंड का ही वाइल्ड अटलांटिक वे दुनिया में सबसे लंबा ड्राइविंग वे है। अर्जेंटीना में नौसेना की शुरुआत करने वाला भी एक आयरिश मैन ही था। दोस्तों क्या आप जानते हैं सेंट वैलेंटाइन के शरीर को डबलिन में ही दफनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।